आप सब मेरी आसान आसान की रेमेडीज की तो आप जरूर फैन हो गए होंगे। बहुत आसान आसान सी चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज इसी तरह से एक बहुत ही इजी सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मुझे भी पता है सर्दियां हैं, बहुत ज्यादा हम अपनी स्किन के साथ कुछ भी फेस पैक्स फेशियल नहीं कर पा रही हैं, तो क्या करें स्किन के ऊपर जो एक काली सी परत जमती जा रही है, या फिर डेली अगर आपको कुछ एक बढ़िया सा नरिश्ड कुछ चीज चाहिए अपनी स्किन को देने के लिए, तो आज वो एक बढ़िया सी चीज मैं शेयर करूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई या फिर कोई भी स्किन टाइप है, रात को सोने से पहले सिर्फ दो चीजों को मिक्स करके आप अपने चेहरे पे एक बार क्लीन कर लीजिए और उसके बाद नॉर्मल टिश्यू से वाइप कर दीजिए। आपको चेहरा धोने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आप टिश्यू से उसको क्लीन कर दीजिए और चेहरे पे कोई भी नाइट सीरम, मैंने बहुत सारे आपके साथ नाइट सीरम शेयर किए हैं, अपनी स्किन के हिसाब से जिस तरह की आपको प्रॉब्लम है आप कोई भी नाइट सीरम लगाकर सो जाइए। नेक्स्ट डे आप जरूर देखेंगे आपकी स्किन पे वाकई जो निखार आएगा ना वो बहुत बढ़िया होगा। और इसको आप सुबह नहाने से पहले भी कर सकते हैं अगर आप अपने चेहरे को ड्राइनेस से बचाना चाहते हैं, स्किन के ऊपर की एक जमी हुई परत को हटाना चाहते हैं, अगर एक बहुत बढ़िया सा निखार चाहते हैं दूध जैसा निखार, तो दूध में आपको सिर्फ एक चीज मिलानी है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या चीज है जो दूध में मिलानी है आपको। ये देखिए, ये है वो बढ़िया सा आसान सा एक देसी सा नुस्खा जो कि आपके चेहरे पे वाकई बहुत अच्छा ग्लो ला सकता है। और मेरी रेमेडीज तो आपको पता ही है आसान ही होती है, तो चलिए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। आपको चाहिए सिर्फ दो चीजें, वो है दूध और शहद। आधे चम्मच शहद लीजिए, एक डेढ़ चम्मच दूध लीजिए, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, इसे शहद थोड़ा सा जम गया है इसलिए मुझे मिक्स करने में हल्की सी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको ऐसे मिक्स करेंगे तो हार्डली एक मिनट में ये मिक्स हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है हनी को दूध में मिक्स करना। और ये जो मैंने मिल्क लिया है ये नॉर्मल बॉइल्ड मिल्क है, कच्चा दूध मैंने नहीं लिया है। आप चाहे तो आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं ये रेमेडी बेसिकली रात के लिए प्रेफर कर रही हूँ, आपको लगा के सोने से पहले आपको करना है। तो मैंने पहले आपके साथ कई बार शेयर की है, तो मेरे पास ये क्वेरी आती है कि रात के टाइम कच्चा दूध अवेलेबल नहीं होता, तो सर्दियां हैं हम वैसे भी ये रेमेडी यूज कर रहे हैं, तो आप इसको नॉर्मल मिल्क के साथ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक चम्मच और इसमें डाल दिया, अभी अच्छे से आपको एक बढ़िया सी कंसिस्टेंसी दिख रही होगी। इससे आपको करना है सिर्फ चेहरे को क्लीन और आपका ये एक बढ़िया सा देसी सा नुस्खा बनकर तैयार है, दूध के साथ शहद। बस सिर्फ दो चीजें जो आपको यूज करनी है, 10 से 15 दिन करके देखिए, आपकी स्किन पे इतना बढ़िया ग्लो आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को इससे चेहरा क्लीन करते हैं तो बहुत बड़े रिजल्ट्स देगा। ये देखिए, आप अभी मेरा चेहरा देखिए, आपको थोड़ा डल लग रहा होगा, और अभी मैं इससे क्लीन करती हूँ। और नॉर्मल कॉटन पैड लीजिए, इसको अच्छे से क्लीन कीजिए अपनी स्किन के साथ, थोड़ा सा रब करते हुए क्लीन कीजिएगा। क्लीन का मतलब मेरा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके फेस पे मेकअप है या फिर कहीं से आप बाहर से आए तभी आपको यूज करना है, बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक एज अ क्लेंजर आप ये कह सकते हैं कि नाइट टाइम पे आपको इसको लगा लेना है। नहाने से पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके साथ कई सारे फेस वॉश पाउडर शेयर किए हैं, उसके बाद आप वो एक नॉर्मल सा डेली पैक भी लगा सकते हैं। तो इसको बेसिकली आप अपने चेहरे पे लगाने के बाद थोड़ा सा रब कीजिए कॉटन की हेल्प से ही, और इसको एटलीस्ट 5-7 मिनट तक अपने चेहरे पे लगे रहने दीजिए, जिससे कि आपकी स्किन जो है दोनों चीजों को अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। दूध में आपको पता है लैक्टिक एसिड होने की वजह से आपकी स्किन पे जो एक काली परत जम गई है, टैनिंग हो गई है सर्दी की वजह से या फिर ठंड की वजह से स्किन बहुत ज्यादा रुखी सुखी हो रही है, वो सब ठीक हो जाएगा। शहद आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है, पोर्स को टाइट करता है, स्किन में नया निखार देता है। अब आप देखिए मैंने इसको लगा लिया, बस आप इसको आप छोड़िए 10 से 15 मिनट तक के लिए बस, और उसके बाद ये देखिए इस तरह से ना सूख जाएगा। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, हद से हद 5 मिनट लगेंगे। आप चाहे तो आप चेहरा धो सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सिंपल एक वेट टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ। कोई बहुत बड़ा तामझाम तो है ही नहीं, नॉर्मल सी एक चीज है, बस आपको दूध में शहद मिलाना है, सूख जाए तो उसके बाद आपको किसी भी गीले टॉवल से या फिर टिश्यू से इसको क्लीन कर लेना है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा चेहरा देखिए आपको डल लग रहा होगा, और अब देखिए एकदम से चेहरे पे ना निखार आ जाएगा, एकदम से ना आपका स्किन जो है ना
पिंकिश ग्लो करने लगेगा। आप इसको 10 से 15 दिन भी करेंगे ना, तो आपको खुद को आपके चेहरे पे बहुत फर्क फील होगा, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत ज्यादा कुछ अपने चेहरे पे करना नहीं चाहते। और सोप और फेस वॉश तो जितना हो सके कम ही यूज कीजिए। मैंने आपके साथ बहुत सारे सीरम शेयर किए हैं, अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक ये फेयरनेस सीरम शेयर किया था और एक ये झाइयों से रिलेटेड शेयर किया था। तो जो भी आपका स्किन टाइप हो या जो भी आपको नीड हो स्किन की, आप वो सीरम लगा सकते हैं। मैं ये वाला जो ये ग्लो सिरम है मैं वो लगा रही हूँ। इसके लिंक, दोनों सिरम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्किन केयर वीडियोस में आप चेक कीजिएगा, स्किन केयर प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है अपने चैनल पे, वहां पे आपको इनके लिंक वीडियोस मिल जाएंगे। और देखिए, सिरम को आप अच्छे से अप्लाई कीजिए। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो अपना कोई बढ़िया सा मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं रात के टाइम ये आपको बता रही हूँ, तो ये एक नाइट टाइम सीरम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वह सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए, चेहरे पे आप ग्लो देख सकते हैं, बढ़िया सा ग्लो। और आप सीरियसली इसको 15-20 दिन करके देखिए, बाकी बहुत अच्छा निखार आएगा। ज्यादा कुछ तो करना ही नहीं है, सिंपल सी रेमेडी है। कैसा लगा आपको ये सिंपल सी रेमेडी? था ना बहुत आसान? इसको जरूर कीजिए। अगर आप डेली इसको कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। सुबह नहाने से पहले करिए या फिर आपको सोने से पहले करिए, बढ़िया ऑप्शन है। दिन के किसी भी टाइम कर सकते हैं। चेहरा वॉश करने की, जैसे कि मैंने आपको बताया, जरूरत नहीं है। आप सिंपल टिश्यू से इसको क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करके देखिए, बाकी आपके चेहरे पे बहुत बढ़िया ग्लो आएगा। तो अगर आप भी अपने चेहरे पे सर्दियों में ड्राइनेस से, बेकार हो चुकी स्किन से और रफनेस से, पैची स्किन से या फिर फ्लेकी स्किन से परेशान हो चुकी हैं, तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। चलिए, फिर मिलती हूँ किसी और बढ़िया सी वीडियो के साथ। इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।